अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से और फिट फाट होंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग एक नई सुबह के साथ। तो ये देखें, पहले मैंने इन दो बच्चों को खोल दिया, मैंने कहा ज़रा ये दाना उठा लें, क्योंकि ये बहुत ही कम दाना उठा रहे हैं और एक बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं उठा रहा ना दाना उसको। तो मैं तकरीबन 2 दिन हो गए उसको मैं हैंड फीड करा रहा हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि यार चलो ये थोड़ा बहुत दाना खाना शुरू हो जाए। ये देख रहे हैं वो सारे पागल हुए हैं, इनको मैंने काफ़ी देर से खोला हुआ था, चले अब इनको भी खोल देते हैं नहीं तो ये पागल हो जाएंगे। ऐसे ही वो देखें ये भी भूखे अपने फुल। तो खैर अब थोड़ा बहुत दाना उठा लिया, बाकी उनके साथ ही उठा लेंगे दाना, तो खोल देते हैं उन्हें भी। आ जाओ भाई तंग ना हो, आ जाओ शाबाश। वो देखें जी सारे के सारे पड़ गए, ऐसे पड़ते हैं। चलो जी माशाल्लाह आराम से खाओ। आज हमारा है इरादा, आज हमने दोबारा से उसी कलोनी जावा की कलोनी के अंदर जाना है और देखना है जी क्या सूरत हाल है, क्या सीन है अंदर, बच्चे ठीक हैं या नहीं। तो ये सारा कुछ आज इसी ब्लॉग में देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरा डेली का व्लॉग आप तक पहुँच सके और आप लोग इंजॉय कर सकें। तो चलें जी शुरू करते हैं, ये तो आराम से खाते रहेंगे। इसलिए मैं यही चाह रहा हूँ कि हम पहले अंदर से हो आएँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लगी हुई है अंदर की। हमने कल ही व्लॉग में दिखाया था कि 2 बच्चे निकले हुए थे, तो इस वजह से मैंने कहा चले हम पहले, ये है कि सुबह होते ही पहले सबसे पहले काम ही यही करना है कि हमने चेक करना है कि जी बच्चे खैरियत से हैं और इनके अलावा कोई बच्चे निकले हैं या नहीं निकले, ताकि ये जब खा लेंगे तो ये अपना आराम से घूम फिर आएंगे खुद ब खुद ही। तब तक हम अपना व्लॉग बनाते हैं सारा जो हमने बनाना है। एक मिनट, ये ज़रा पड़ा हुआ ना तो मैं इसको ज़रा ये भी डाल लूँ, थोड़ा सब्र करें। चलो भाई चलो ये भी ज़रा उनको डाल देना असीलों को, ताकि ये शेरू को, ताकि ये आराम से खाता रहेगा ये भी, क्योंकि सुबह का टाइम है। ये भी अपना दाना पानी उठा लेंगे उसके बाद, जब अब मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं जल्द से जल्द जावा कॉलोनी के अंदर पहुंच जाऊं। लेकिन मैंने कहा चलो मैं पहले इनका दाना पानी कर लूं, बेचारे ये तो ना भूखे रहे ना मेरे चक्कर के अंदर, मैं पता लगे वहां पर देखता रहूं और ये बेचारे यहां पर भूखे प्यासे बैठे हुए हूँ। तो इस वजह से पहले मैंने कहा पहले इनको मैं डाल दूँ सारा, इनको फारिग कर दूँ बिल्कुल। ये देखें ये आराम से खा पी रहे हैं, और अभी तो मैंने देखा भी है क्योंकि हमारी छत पे से कबूतर भी उठ के गए, मैं समझा ये हमारे कहाँ से खुल गए। वो देखें ना, अगर ये मेरा कैमरा दिखा रहा हो आपको, वो बिल्कुल नीचे उड़ रहे हैं, वो काफ़ी दूर। अब देखें ये दरख्तों के पीछे से आएंगे, वो देखें ये उड़ रहे हैं, काफ़ी सारे कबूतर हैं। तो मैं यही सर मैंने कहा यार ये हमारे कहाँ से खुल गए, लेकिन वो फिर पता लगा नहीं हमारे तो बांधना ही किसी और के। तो खैर इतने हमारे वाला भी दाना खा ले, उसके बाद फिर ये भी आराम से अपने घूमने फिरने निकल जाएंगे, फिर देखी जाएगी। तो चलें चलते हैं हम कॉलोनी के अंदर, इंतज़ार और नहीं करते हम। ये देखें जी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह वो देखें जी, चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे बच्चे, माशाल्लाह नज़र बद से बचाए, या अल्लाह नज़र बद से बचाना। ये देखें 1, 2, 3, 4 और वो बैठा हुआ नीचे 5, माशाल्लाह 5 बच्चे, इतनी ज़बरदस्त प्रोग्रेस। और अभी तो 3 अंडे और भी पड़े हैं, तो इंशाल्लाह ये भी निकलेंगे हमारे पास अल्लाह ने चाहा तो, बस अल्लाह करे ये हमारे पास पल जाए कोई मसला ना हो। ये तो इतना है इनका, इतना इंतज़ार था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इतना अच्छा रिज़ल्ट हमें देखना नसीब किया, हमें दिखाया। क्योंकि हम आपको पता है कि लव बर्ड की तरफ से कितना हम परेशान थे, सिर्फ इसी वजह से तो मैं इन्हीं को देखने आया था। मैंने कहा यार मैं इनको देख लूँ, कोई परेशानी तो नहीं है। तो शुक्र है कि इतना प्यारा रिज़ल्ट, इतना अच्छा रिज़ल्ट, अल्लाह इनको ज़िंदगी लगाए बस खैरियत से। तो मैं आपको दिखाऊँ ना, अगर ये आप लोग देख सकते हो तो पूरा, ये देखें माशाल्लाह हैं भी सारे हेल्दी हैं, फीड भी कराई हुई है माशाल्लाह से, बाकी 2 बच्चों को निकराई भी वो ये करा देंगे। चलो भाई मेहरबानी तुम्हारी, बहुत बहुत शुक्रिया, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें दिखाया, देखना नसीब किया है। बाकी लव बर्ड की बारी, वो इंशाल्लाह अब ये आ गए ना तो सुकून हो गया बहुत ज़्यादा।
बाकी तो ये देखें, आज मैं लेके आया हूँ जी पलाली। तो हमने करनी है नेस्टिंग। नेस्टिंग मटेरियल डालना था अल्बिनो के अंदर और फिशर्स के अंदर, ये दो क्रूनियाँ हैं, इनके अंदर हमने नेस्टिंग मटेरियल डालना था। तो इस वजह से मैंने सोचा, मैं कहा चले मैं जल के पलाली ले आऊँ। तो खैर इनको थोड़ा थोड़ा हिस्से में काट देते हैं, उसके बाद वैसे ही नीचे डाल देंगे हम इनकी। वो नहीं करेंगे जो नेस्टिंग करी जाती है ना खुद हाथ से नहीं करेंगे, इनको करने देंगे जैसे भी ये करें। तो बस ये है कि हम छोटे छोटे पीसीज काट के तो वो अंदर डाल देते हैं ताकि ये अपना लेके चले जाएं आराम से, क्योंकि हमें बहुत इंतज़ार है, तो अल्बिनो का बहुत इंतज़ार है हर हाल में। तो मैं चाह रहा हूँ हमारे अल्बिनो बस एक दफ़ा ब्रीड कर देना, उसके बाद ये हो जाएगा, सुकून हो जाएगा कि चलो शुक्र है अल्बिनो हमारे सेटअप पे चल पड़ा है। तो फिर ये है कि कल को जब लुटिनो की जगह हमने अल्बिनो डालना है तो फिर थोड़ा बहुत आसरा भी रहेगा, हौसला भी रहेगा, सब बेहतर होगा। इस वजह से सोचा यही है, बाकी अल्लाह नसीब करे हमारे, वो देखते हैं कि जो भी हमारे नसीब में लिखा होगा वो ही मिल रहे हैं, बाकी अल्लाह खैर। ये लिखें जी, ये हो चुके हैं सारे, तो अब फटाफट इनको शिफ्ट करते हैं अंदर केजिस के। ये लें जी, ये थोड़ा सा इस केज के अंदर आ जाएगा फिशर वाले में, और थोड़ा सा हमने डालना है अल्बिनो वाले के अंदर। तो बाकी ये है कि ये हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये लें, ये बेहतरीन तरीके से हो गया, बाकी अल्लाह मालिक। अब आगे चलते हैं इसको सारे को लेके अल्बिनो की तरफ, जो बच गया इसको डाल देते हैं अल्बिनो में, और साथ ही हम आज के व्लॉग का यहीं करेंगे एंड, क्योंकि व्लॉग हो चुका है बड़ा, तो मुझे अभी और काम भी है। तो इंशाल्लाह न्यू एंट्री भी बहुत जल्द होने वाली है, बस एक से दो दिन के अंदर। बस आप हमारे साथ इस तरह बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक लाजमी करके जाइएगा, और हमारे चैनल परिंदों की दुनिया को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।